यू मेक हैबिट्स और हैबिट्स मेक यू, एक कोट तो आप सभी ने बहुत बार सुना होगा। हम सब जाने अनजाने में अपने हैबिट्स को ही फॉलो कर रहे हैं, पर हमें खुद को ही पता नहीं है। हाँ, ये बात तो सच है कि हमें पता नहीं है कि ये सब हमारे ही हैबिट्स हैं। कुछ हम बनाते हैं और कुछ खुद ब खुद बन जाते हैं। क्या लगता है आपको, हमारे हैबिट्स का क्या और कैसा रोल होता है हमारे लाइफ में? हमें लगता है हमारा हैबिट्स हमारे फ्यूचर को इफेक्ट करेगा, पर हम ये कभी नहीं सोचते कि हमारे इस हैबिट से हमारा आज का दिन इफेक्ट हो रहा है। हाँ, हमारा आज बल्कि अभी का समय, ना कि फ्यूचर। अगर हमें कुछ करना हो तो हम बोलते हैं हाँ करेंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, कल से पक्का करूँगा। हमारी जो कल वाली बात है ना, ये हमारे हैबिट है। हमें कुछ करना हो तो हम हमेशा बोलते हैं कि कल से तो पक्का करेंगे। हर काम हम कल पे टाल देते हैं, ना जाने कल कब आएगा। हमारी ये जो हैबिट यानी आदतें हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में कैसा प्रभाव डालता है, चलिए इसे हम एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। इससे पहले कि आप स्टोरी में पूरी तरह खो जाएं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। चलिए हम एक मज़ेदार स्टोरी का आनंद लेते हुए हमारी हैबिट्स के बारे में कुछ सीखते हैं। एक बार एक लड़का बहुत परेशान था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे जितने में वो अपने और अपने माँ बाप को खुश रख सके। बहुत ही परेशान रहने लग गया था। एक दिन वो लड़का एक गुरुजी के पास जाता है और बोलता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे मैं अपने और अपने माँ बाप को खुश रख सकूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप पूरी दुनिया घूमें और मैं उन्हें इतनी खुशी देना चाहता हूँ कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। पर इन सब के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत है, पर मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। गुरुजी ने कहा, चलो मेरे साथ, और उसे एक जगह ले गए जहाँ बहुत सारे कंकड़ पड़े थे। गुरुजी ने कहा, यहाँ जितने भी कंकड़ पड़े हैं उनमें से एक कंकड़ ऐसा है जो हर मेटल को सोने में बदल सकता है, यानी हर वो मेटल सोना हो जाएगा जिस पर भी तुम इस कंकड़ को रखोगे, और उस कंकड़ की पहचान होगी उसके तापमान से। जितने भी कंकड़ है अगर तुम उसे छुओगे तो ठंडी महसूस होगी, लेकिन गोल्ड में बदल देने वाली कंकड़ गर्म महसूस होगी। फिर तुम अपनी ज़िंदगी में जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो अगर तुम्हें वो कंकड़ मिल गई। वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने सोचा, बस ये तो कुछ ही महीनों की बात है, मुझे रोज के कुछ ही घंटे इस काम में देने हैं। उस लड़के ने सोचा, बस इतनी सी तो काम है, मैं तो इसे पक्का कर दूंगा और मैं अपनी ज़िंदगी में जो चाहूंगा वो कर पाऊंगा। बस ये सोच करके वो लड़का काम पर लग गया। उसने एक एक कंकड़ को बारीकी से परखा, उसे छू कर महसूस की। जो भी कंकड़ ठंडे लग रहे थे उसे समुंदर में फेंक देता, क्योंकि अगर वो समुंदर में ना फेंके फिर से वही कंकड़ उसमें मिल जाएगी। तो उसे कुछ महीनों तक ऐसा करना था तो तकलीफ ज़्यादा होती। जो भी कंकड़ ठंडी होती उसे समुद्र में फेंक देता। एक दिन बीत गया, 5-6 घंटे दिए उसमें, सब कंकड़ ठंडे महसूस हो रहे थे। एक दिन बीते, 2 दिन बीते, एक हफ्ता बीता, एक महीना बीता, ऐसा करते करते 3-4 महीने बीत गए, लेकिन अब तक उस लड़के को गर्म कंकड़ नहीं मिली। उसमें से सब कंकड़ ठंडी महसूस हो रही थी। अब लड़के की स्पीड बढ़ चुकी थी, लेकिन एक चीज़ थी जो भूल रहा था। उसका विश्वास था वो कंकड़ मिलेगी जरूर, लेकिन धीरे धीरे कंकड़ को ध्यान से परखना कम करता जा रहा था। अब वो इतना बारीकी से नहीं परख रहा था जितने के शुरू के एक हफ्ते में परखी थी। दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं उसकी दिमाग की ऐसी कंडीशनिंग हो गई थी कि अब उसकी हैबिट हो गई थी फटाफट से कंकड़ को लेकर उसे समुंदर में फेंकने की। इतनी मेहनत के बाद 5वें महीने के कुछ ही दिनों में उस लड़के को वो कंकड़ मिल गई, और जैसे ही वो कंकड़ हाथ में आई वो उसे गर्म तो महसूस हुई, लेकिन क्योंकि उसकी जल्दी से हर कंकड़ को समंदर में फेंकने की हैबिट बन चुकी थी, उसने उसे भी फेंक दी, और फेंकने के जस्ट 1-2 सेकेंड बाद उसने अपने हाथ की उंगलियां चबा दी। उसे इतना पछतावा हुआ, पर अब वो उस कंकड़ को समंदर से निकाल नहीं सकता जो उसने फेंक दी थी, क्योंकि उसकी वो हैबिट बन चुकी थी हर कंकड़ को देखकर फेंकने की। लेकिन फेंकने के बाद ही उसे एहसास होता है कि मुझे पता होते हुए भी मैंने उसे फेंक दिया। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, ऐसा क्या सीख सकते हैं कि जिससे हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, ऐसा क्या सीख सकते हैं जिससे हमारी सोच में बदलाव आ सके। अब बदलाव आएगी तो हमारी ज़िंदगी भी बदल सकती है। जिस वक्त आपने हर दिन को हल्के में लेना शुरू कर दिया, धीरे धीरे हल्के में लेना आपकी हैबिट यानी आदत बन जाएगी। और जब कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी वाला दिन हुआ उसे भी इस हैबिट के अकॉर्डिंग गलती से हल्के में ले लोगे, फिर बाद में पछतावा होगा। जब पता लगेगा वो तो नॉर्मल डे की तरह नहीं था, उस दिन मेरे पास बहुत बड़ा मौका था जिसे मैंने गवा दिया, क्योंकि
रोज मैं हर दिन को हल्का मानता था। जब दिन हल्का नहीं था उसे भी मैंने हल्का मान लिया। आपकी ज़िंदगी में वो गर्म कंकड़ अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, एक मौका है, और ये सब कंकड़ दिन है, एक नया दिन है। हर एक कंकड़ एक नया दिन है। वो गर्म कंकड़ कब आपके हाथ में आएगा ये आप कभी नहीं जानते, लेकिन आपको बहुत ध्यान से हर कंकड़ को परखना है, यानी हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है, हर सिचुएशन, हर इंसान से और हर चीज़ से सीखना है। अचानक कब वो गर्म कंकड़ आ जाए जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल दे। ज़िंदगी के हर पल को इस तरह से देखो, इस तरह से जियो, इस तरह से उसमें मेहनत करो जैसे कि वो कंकड़ है जो हर चीज़ को सोने में बदल सकता है। और एक बात याद रखो, कोई भी काम कल पर मत छोड़ो, उसे आज ही करो। आज क्या, बल्कि अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि कल किसने देखा। थैंक यू ये वीडियो पूरा देखने के लिए। आप अपने कमेंट से हमें ये ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।